राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया यार कि राजमाता के दो बेटे हैं, वो तो जानते हैं। एक बड़ा बेटा जवाहर सिंह, छोटा बेटा नाहर सिंह। लेकिन हमें समझ मनैया नहीं आवत। या पहले तुम बताओ, अच्छा तुमसे कुछ पूछा चाहिए थे। हाँ, कि जैसे घर में औलाद हुए तो बाप के ना रहने के बाद अधिकार कहके हो चाहिए। अब तुम ही बताओ, कहके हो चाहिए भाई? तुम हमसे बड़े चले हो। हाँ, तुम हमसे बड़े चले हो भाई, हम तो तुम क्या खुली है। तुम छोटवार भाई से पूछो तो यार, तुम बड़े भाई हो, तुम बताओ कहके हो चाहिए। हाँ, कहके हो चाहिए तुम ही बताओ। यार हमें हिसाब से तो बड़े हो, बड़े भाई को हो चाहिए, बड़े औलाद। हाँ हो तो चाहिए, हो चाहिए ना। हाँ, लेकिन यार राजमाता ने सेनापति जी को बुलाया और उनसे सलाह लिया। हाँ, कि इस सिंहासन पर किसको बैठाएं, छोटे बेटे को बैठाएं या बड़े बेटे को बैठाएं। हाँ, तो सेनापति जी ने, यार हम तो सोची कि यार बड़कैन का कहीं। हाँ, लेकिन यार बड़काए के छोड़ के छुटकाए का राज सिंहासन पर बैठा दी। और सेनापति के कहने से राजमाता ने छोटे बेटे का राज तिलक कर दिया, उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया, बड़े बेटे को मंत्री का पद दे दिया, बड़ा बेटा मंत्री सिंह जवाहर सिंह वो पद पा के वहाँ खौरिया आएगा। सार हो खौरिया वाली बात है, खौरिया में धाई धाई फिर उठे रहा यार। हाँ, हाँ यार, तो अब देखो क्या हो। हमें तो यार कुछ समझ के बाहर है। तुम्हें समझ में नहीं आवा? हाँ, हमें समझ में बात सब आएगा। ये के अंदर कौनो कमी है का यार? कमी है। हाँ, देखो मतलब तुम यही सोच रहे हो कि छोटे बेटे को राजा बना दिया गया, बड़े बेटे का मंत्री क्यों बनाया गया। हाँ, तुम्हारे समझ में नहीं, हमारे सब समझ में। पहले ये बात सोचो। हाँ, छोटे बेटे के शादी हो गई। हाँ, ओके मेहरारू आ गए, लड़का हो गए, सारे का मेहरारू देखे के रोजी नहीं बा, रणवे घूम रहा है। एक मेहरारू ने लड़का मुहिम ला करखा। हाँ, आज दिन तक एक शादी नहीं भाई। हमका लागत एक अंदर कमी है, या हमका लागत मेहरारू लाए के हाइन नहीं, हाइन नहीं। अगर हो तो महाराज शादी बड़े बेटवा करते, छुड़काए कहे करी यार। लेकिन एक साथे तो तुम राहत रहे हो हमेशा। अरे तो रही थी, कबो हमसे कुछ बतावत तो सारे के दवाई कराई। लेकिन यह सार कबो संकतो तो नहीं ना, कि एक अंदर यह कमी है। अगर बतावत तो एक इलाज हो, फिलहाल अगर ऐसा हुआ है तो उसको मंजूर होगा नहीं। खौरियान बहुत जोर हुई है, लग जाओ गेट पर, आएंगे तो हमसे तुमसे पूरी बात हकीकत बताएंगे। चलो ठीक है, लगो गेट पर।